तो गाइस कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गाइस लास्ट वीक के शो की तरह इस वीक के शो में भी WWE ने बहुत बड़ी चीजें अनाउंस कर दी है। कल आने वाले शो में हमें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर मैच देखने को मिलेगा। डब्बा का अट्रैक्शन में होंगे, ब्रॉन स्ट्रोमन में होंगे। गाइस ड्रीमिंग टैग वर्सेस की थ्री का फिर से मैच होने वाला है। गाइस और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें WWE ने अनाउंस कर दी कल के एपिसोड लिए। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप इन चीजों को जान ले रोके एपिसोड देंगे उससे पहले। तो गाइस आप मेरे रेसिंग फैन है, सब्सक्राइब मार देना चैनल को, लग मार के अटेंडेंस लगा देना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। तो गाइस किस तरीके से शुरू को शुरू करते हैं। गाइस फर्स्ट मैच में कैरियो एलेक्जेंडर वर्सेस रिकोशे के बीच देखने को मिलने वाला है। तो गाइस मैच की अगर मैं एंडिंग की बात करूँ, एंडिंग में शायद किसी भी टीम में जो हमारी MVP की टीम इंटरफेरेंस कर सकती है। तो गाइस मैच में हमारे कैरियो एलेक्जेंडर देखो विनर देखने मिल सकते हैं। और गाइस जो नेक्स्ट मैच ऑफिशियल हुआ है वो आप लास्ट वीक से जब हमने बहुत एक्साइटेड थे जब मॉन्स्टर ने रिटर्न किया था। तो गाइस सिंपली हमें दो मॉन्स्टर आ गए भाई रो अंडरग्राउंड के शो में, जो कि डब्बा कट और ब्रॉन स्ट्रोमन, तो इनके पीछे मैं आपसे मिलने वाला है, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। दो मॉन्स्टर आपस में मिलेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतेगा, WWE किसको पराजय देना चाहेगी। और गाइस रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि शेन मैकमैन कल रो के एपिसोड में रो अंडरग्राउंड की चैंपियनशिप भी रिवील कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट टाइम जो केविन ओवंस है, वो रूमर्स आ रहे थे कि केविन ओवंस रेट्रीब्यूशन के लिए हो सकते हैं। तो गाइस हमें सिंपली कल कुछ शॉट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें रेट्रीब्यूशन का किसी तरह भी पुलिस होगा एपिसोड में चेक मिल सकता है, जिसके होगा सर्वाइव से जिसके लिए लाइव बन जाएगी। तो गाइस ये कुछ रेट्रीब्यूशन कुछ चेक देखने को मिलेगा, जिसके लिए यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गाइस नेक्स्ट थिंग हमें टैग टीम चैंपियनशिप या फिर मुझे अभी कंफर्म है नो टाइटल मैच है, पर गाइस ये मैच होने वाला है सेना बेसलैंड नाइजा वर्सेस लाना एंड नटैलिया, जो कि भाई कुछ पिछले समय से बहुत दिन के बीच मैचेस और स्टोर लाइन चल रही है। तो गाइस अगर इस मैच के एंडिंग की बात करें, मुझे तो लगता है कि इस मैच में नटैलिया को पराजय देने के लिए, क्योंकि जो मैच होने वाला है उनका क्लैश ऑफ चैंपियन के लिए। तो गाइस मैच हो सकता है कि मैच में नटैलिया और लाना को पराजय देने के लिए इस मैच में मुझे चिता दे जाए। और गाइस नेक्स्ट मैच में एंड्राडे एंड एंजल गार्सिया वर्सेस हम्ब्रेटो करिल्लो वर्सेस डोमिनिक एंड सेथ रोलिंस एंड बड़ी मर्फी देखने मिलेगा। इस मैच में जो जीतेगा वो सीधे से क्लैश ऑफ चैंपियन में स्टेट ऑफ प्रॉफिट्स को फेस करेगा। इस मैच की अगर मैं बात करूँ तो गाइस मुझे तो नहीं लगता कि सेथ रोलिंस से बड़ी मर्फी की खुद से स्टोर लाइन चल रही है, और एंजल गार्सिया एंड एंड्राडे तो आपस में लड़ रहे। तो गाइस में सिंपली हमारे जो डोमिनिक को कितना अच्छा पुश मिल रहा है, तो गाइस मैच में डोमिनिक एंड हम्ब्रेटो करिल्लो इस मैच में जीत सकते हैं क्लैश ऑफ चैंपियन के लिए। तो गाइस मैच हो सकता है कि मैच में नटैली और लेना को पराजय देने के लिए इस मैच में मुझे चिता दे जाए। और गाइस जो सबसे बड़ी चीज़ WWE ने ऑफिशियल कर दी है वो ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कीथली का मैच ऑफिशियल कर देगा। इस मैच में स्टिपुलेशन है कि जो भी इस मैच में जीतेगा, अगर कीथली इस मैच में जीत गए तो गाइस वो ड्रू मैकइंटायर को फेस कर देंगे WWE चैंपियनशिप के लिए, वो भी क्लैश ऑफ चैंपियन में इस मैच के लिए। तो गाइस कल के एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई रैंड कलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो गाइस अगर मैं मैच की बात करूँ तो मैच में मुझे लगता है कि एंडोटन किसी भी तरह इंटरफेरेंस कर देंगे मैच में। और का जो ट्रिपल थ्री ट्वेल्व थिंग है WWE से कुछ ज़्यादा लंबा घसीट सकती है, ताकि हमें फैंस से ज़्यादा हाइप हो। तो गाइस मुझे तो लगता है कि एंडोटन कल रिटर्न करने वाले इस मैच में, और गाइस इंटरफेरेंस की वजह से मैच खत्म हो जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि क्लैश ऑफ चैंपियन से पहले उनको मेडिसिन शो, जिसके बाद मैं क्लैश ऑफ चैंपियन पेपर भी देखने में लगे देर के बाद। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कितना एक्साइटेड शो के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। होगा हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो बस करके तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।